निजी गाड़ियों व बाहरी राज्यों की गाड़ियों के अवैध संचालन को लेकर कांगड़ा जिला देवभूमि टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन जल्द सड़कों पर उतरेगी। ये बात आरटीओ कांगड़ा के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंचे देवभूमि टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के संस्थापक नरेंद्र ठाकुर ने कही। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से कोरोना के चलते पिछले 2.5 साल से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से टैक्सी व्यवसाय पूरी तरह भी खत्म हो चुका है, जिसको पटरी पर लाते हुए करीब 2 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते बर्बाद हुई टैक्सी व्यवसाय के कारण टैक्सी चालकों को अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार टैक्सी चालकों से हर तरह का टैक्स भरवा रही है, जो कि गलत है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में जो सरकार द्वारा निजी टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई थी, वो भी धड़ल्ले से सड़कों पर चल रही हैं, जिसका हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि जिला टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने आरटीओ कांगड़ा व परिवहन विभाग को सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग द्वारा कोई भी निजी टैक्सी ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में एसोसिएशन ने सरकार व परिवहन विभाग को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि निजी टैक्सी ऑपरेटर्स पर रोक नहीं लगाई गई तो एसोसिएशन सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। आज जो है हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो है निजी गाड़ियों को लेकर है, और जैसे बाइक और स्कूटर स्कूटियाँ जो किराए पर दी जा रही है उनको लेकर आज हम जो है आरटीओ माननीय हमारे जो आरटीओ साहब है उनसे और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है और साथ में हम एसपी महोदय को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और इसमें जो हमें पुलिस विभाग की तरफ से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन परिवहन जो विभाग है उनकी तरफ से हम बिल्कुल भी ना खुश है, क्योंकि उनकी जो कार्रवाई है उसमें हम बिल्कुल संतोषजनक हमें कार्रवाई नहीं मिली है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो है आप देख सकते हैं कि 2.5 साल से जो है प्राइवेट गाड़ियों का जो व्यापार है टैक्सी में व्यवसाय है वो बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है और बिना किसी डर के चल रहा है। बहुत से टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर पुलिस केस भी हुए हैं जब प्राइवेट व्हीकल को रोका जाता है, क्योंकि कानून में ये प्रावधान नहीं है कि हमारे को जो अथॉरिटी है प्राइवेट गाड़ी को रोकने की, लेकिन आज मजबूर हो चुके हैं। हमारा परिवार जो है आज सड़कों पर है, भूखा मर रहा है, बच्चों की फीसें फंसी हुई है, गाड़ियों की जो किस्तें हैं वो रुकी हुई है और हमारी जो इंश्योरेंस हैं वो खड़ी है, टैक्स खड़े हैं, तो आज हम मजबूर हैं। और आज जो है हम अंतिम बार परिवहन विभाग को जो अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, देखिए आज हम अंतिम बार मांग को जो है वो देने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं। और अगर विभाग अब भी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो इसके बाद पूरे प्रदेश में जो है देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर जो है वो रोड पे उतरेगी और आंदोलन करेगी प्राइवेट गाड़ियों के अगेंस्ट, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कांगड़ा के अंदर कर रही है, ये हमारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है प्राइवेट गाड़ियों का काम कर रही है। और आने वाले टाइम में जो है देवभूमि जो है ऑल हिमाचल में स्ट्राइक करेगी और हड़ताल करेगी और आंदोलन के लिए रोड पर उतरेगी। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का संस्थापक हूँ।